सिवनी मालवा नगर में भगवान विष्णु के चढ़वे अवतार परशुराम के जन्म महोत्सव पर सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच भक्ति भरे गीत एवं जयकारे गुंजायमान होने से पूरा शहर भगवान परशुराम के भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत कर आस्था प्रकट की। गौरतलब है कि ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को महोत्सव के रूप में पूरा आस्था एवं उल्लास से मनाया जाता है। इसके तहत 4 दिन तक रोजाना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसका उत्साह समाज के लोगों में देखते ही बना। महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को भगवान विष्णु के षठवे अवतार भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा स्थानीय संकट मोचन हनुमान मंदिर से निकाली गई, जिसका समापन राम जानकी मंदिर में किया गया। बाजे गाजे के साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर से शुरू हुई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को लेकर उत्साह देखते ही बना। यही वजह है कि इस अनूठी यात्रा में सभी वर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में भगवान परशुराम की चली झांकी शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा की अगुवाई करते युवक युवतियां बच्चे भक्ति भरे गीतों में झूमते नजर आए। साथ ही महिला एवं पुरुषों द्वारा भगवान की पूजा की गई। शोभा यात्रा राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां 7 ब्राह्मण समाज ने भगवान विष्णु की प्रतिमा की महाआरती कर विश्व कल्याण की कामना की। शोभा यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित सर्व ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा भी सम्मिलित हुए। We'll be right back.
दुबे आचार्य, विवेक दुबे आचार्य प्रथम जी चौबे।